लास्ट वीडियो में हमने देखा था बिना सॉल्ट ऐड किए मिल्क का कंडक्टिविटी ज़्यादा था और इसीलिए मिल्क के थ्रू बल्ब ज़्यादा ग्लो किया था, जबकि नॉर्मल टैप वाटर और डिस्टिल वाटर में सॉल्ट ऐड करने के बाद कंडक्टिविटी बढ़ी थी। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि नॉर्मल कंडीशन में क्यों मिल्क का कंडक्टिविटी ज़्यादा था और सॉल्ट ऐड करने के बाद ऐसा क्या होता है कि नॉर्मल टैप वाटर, डिस्टिल वाटर और मिल्क का कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी लिक्विड का कंडक्टेंस उनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स पर डिपेंड करता है। आयन्स होता है एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जिनमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रहता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज आयन को हम पॉजिटिव आयन्स कहते हैं, नेगेटिवली इलेक्ट्रिकल चार्ज आयन को हम नेगेटिव आयन्स कहते हैं। क्योंकि मिल्क एक डेयरी प्रोडक्ट है, मतलब मिल्क गाय के शरीर से तैयार होता है, इसीलिए इसमें बहुत सारे मिनरल्स आयन्स स्पेशली सॉल्ट एंड वाटर होते हैं, इसीलिए बाकी लिक्विड्स के कंपेरिजन में इसका कंडक्टेंस ज़्यादा होता है। नॉर्मल टैप वाटर में भी कुछ मिनरल्स एंड आयन्स होते हैं, इसीलिए नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल टैप वाटर के थ्रू बल्ब थोड़ा सा ग्लो किया था, लेकिन डिस्टिल वाटर में बिल्कुल भी फ्री आयन्स नहीं होता है, इसमें सिर्फ प्योर H2 ही होता है, इसीलिए नॉर्मल कंडीशन में डिस्टिल वाटर के थ्रू बल्ब एकदम ही नहीं ग्लो किया था। जब हमने सॉल्ट ऐड किया तो Na+ एंड Cl- आयन्स फ्रीली मूव करने लगा, और हम जानते हैं NaCl ही तो सॉल्ट होता है। तो जब सॉल्ट के डिसॉल्व होने से फ्री आयन्स मिल गए तो उन लिक्विड्स के थ्रू बल्ब जलने लगा, लेकिन केरोसिन और सरसों का तेल में सॉल्ट ऐड करने के बाद भी बल्ब नहीं जला। इसके पीछे क्या कारण है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, अगर आपको नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर वेट कीजिए। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय इंजीनियर।